अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू एस के किचनरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, सब अपने अपने घरों में खुश होंगे। सबसे पहले आप सब लोगों को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारक हो। आज है ईद का चौथा दिन और हम लोग बीफ चिली बना रहे हैं और इतना अच्छा वेदर हो रहा है। तो बीफ चिली बनाने के लिए जो इन्ग्रीडियंट हमें चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ मैंने क्रश चिली ले ली है 1 टेबल स्पून, चिकन पाउडर ले लिया है मैंने 2 टेबल स्पून, सॉल्ट मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज कीजिएगा। यहाँ हमने रेड चिली ली है 1 टेबल स्पून, पेपरिका लिया है 1 टेबल स्पून। यहाँ पे मैंने हर्ब ली है, इटालियन हर्ब है, ये मैंने ली है 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर मैंने ली है 1 टेबल स्पून और सिरका मैंने लिया है 2 टेबल स्पून। चलिए जी, मैरिनेशन। सबसे पहले हम अपने इंग्रेडिएंट्स की मैरिनेशन करेंगे। ये जो हमने गोश्त लिया है 2 पाउंड हमारा ये गोश्त है, जिसको मैंने जूलियन कट में कट कर लिया है। तो सबसे पहले हम इसकी मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। जी तो नाज़रीन, अब हमने इसे मैरिनेशन हमारी कंप्लीट हो गई है। मैं इसे 2 आवर्स के लिए मैरिनेट करने के लिए हमने इसे छोड़ दिया है। जी तो नाज़रीन, हम यहाँ बीफ चिल्ली के लिए एक सॉस रेडी कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ ले लिया है 1/2 कप पानी। इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून भर के हम इसमें डालेंगे हॉट सॉस। अच्छा, यहाँ पे हमने लिया है 1 टेबल स्पून हमने लिया है ऑस्टर सॉस, ये चला जाएगा इसमें। इन सबको हमें मिक्स करना है। 2 टेबल स्पून इसमें चला जाएगा चिली गार्लिक, केचप इसमें जाएगी 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून हमने इसमें ऐड किया है हनी सॉस। हनी सॉस अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें हनी ऐड कर लीजिएगा, ये ऑप्शनल है। अब इसको हम करेंगे मिक्स। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर ऐड हम करेंगे जब हम बीफ चिली अपनी रेडी करेंगे, उस वक्त इसमें 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करके फिर हम ये अपना मिक्सर उसमें ऐड कर देंगे। जी तो नाज़रीन, चलते हैं अपने सेकंड स्टेप के जाने। बीफ चिल्ली में जो हमें वेजिटेबल यूज करनी है, यहाँ मैंने ले लिया है बेल पेपर, एक मैंने ले लिया शिमला मिर्च, बेल पेपर येलो और रेड कलर के लिए है, ऑनियन मैंने ली है 1 अदद। तो हम चलते हैं इनकी कटिंग के जाने। अब ये वेजिटेबल जो मैंने कट की थी, अब मैं इसको शैलो फ्राई करूंगी। शैलो फ्राई करके हम अपने बीफ चिली में इसको ऐड करेंगे और जो हमने अपना ज़बरदस्त सा एक सॉस तैयार किया था वो हम इसमें डाल देंगे बीफ चिली में। तो चलिए, अब मैंने रख दिया है पैन और मैं इसमें 2 टेबल स्पून मैं इसमें ऑयल डालूंगी। जो वेजिटेबल मैंने कट की थी जूलियन कट, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब इसको हमें बस हल्का हल्का सा फ्राई करना है। मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है और मैं इसको कर रही हूँ अच्छी तरीके से मिक्स। मैरिनेट हुए हुए बीफ को 2 घंटे हो चुके हैं। चूल्हे पे मैंने पैन रखा है। अब उसमें हम यहाँ पे 4 to 5 टेबल स्पून अब इसमें ऑयल डालेंगे। ये देखिए, मैरिनेशन हो गई हमारी कंप्लीट। इस तरीके से हमें 1 by 1 हम करके बीफ चिल्ली को इस तरीके से हम देखिए देखिए सिंगल सिंगल की ये हो गई इस तरीके से। धीरे धीरे हम इसमें थोड़ी थोड़ी करके हम इसमें डाल के फ्राई करेंगे। बीफ चिल्ली हमारी ज़बरदस्त फ्राई हो रही है, इतनी शानदार चीज़ें खुशबू आ रही है। देखिए गोश्त हमारा बिल्कुल बन चुका है, इतना शुरू हो चुका है। तो अब हम इसे
20 से 25 मिनट तक और पकाएंगे। थोड़ा कवर करके पकाना है आपने इसको। तो 20 मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ये देखिए पूरा देखिए सड़क लग रहा है और सब्जियों का कलर भी बिल्कुल एज इट इज कलरफुल का है। इसमें डिम नहीं है चीनी डालने का मतलब ये होता है। ये देखिए हमारे जो बीफ चिल्ली है वो हो गई है डन। जी तरह की अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सॉस। सॉस हम अच्छे अच्छे करके डालेंगे। हमें तो इसको हम थोड़ा सा फिट करना है। जो सॉस मैंने रेडी किया था ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ये देखिए बस हमें थोड़ी सी थिकनेस आएगी। इसे हम 2-3 मिनट से हमें कुक करना है और ये हमारा डन हो जाएगा। फिर हम इससे आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। जी तो नाज़रीन ये देखिए मज़ेदार ज़बरदस्त सी बीफ चिली तैयार है। आपको मेरी बीफ चिली की रेसिपी कैसी लगी? अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करते जाइए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए और अच्छा सा कमेंट करके बताइए कि आपको बीफ चिली की रेसिपी कैसी लगी। चलिए अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ एक बार फिर मिलते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।